अभी मैं हूँ विश्व बांग्ला गेट के पास और यह है न्यू टाउन का नारकेल बागान। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, हैंगिंग रेस्टोरेंट, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक हैंगिंग रेस्टोरेंट है। यहाँ मैं आया था अभी, पर अभी पहले जैसा रूल नहीं है। पहले क्या था कि यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर टिकट काउंटर है, वहाँ जाके फिर 100 रुपया करके टिकट लेता था, वहाँ से आप टिकट ले सकते थे। पर अभी फ़िलहाल रूल चेंज कर दिया गया है, अभी 12 बजे और शाम के 6 बजे लंच और डिनर का लाइन लगता है वहाँ पर। 50 जन का कैपेसिटी है, एक बार हम 50 जन को अंदर लेते हैं वो, तो 50 जन का कैपेसिटी है, 50 करके आप ऊपर जा सकते हैं। वहाँ लाइन देना पड़ेगा, 6 बजे से अभी लाइन लगेगा वहाँ डिनर के लिए। फिर कोई पैसा नहीं लेता, अभी एंट्री नहीं लगता है, सिर्फ खाने का जो चार्ज है वही आपको लगेगा। तो काफ़ी डेवलप्ड एरिया है कोलकाता का, और यहाँ आप काफ़ी चीज़ देख सकते हैं नए नए, जो लंदन में जैसा है उस तरह से काफ़ी चीज़ यहाँ कॉपी किया गया है। जैसे ये हैंगिंग रेस्टोरेंट भी जो है वो कॉपी किया हुआ है लंदन का कोई एक रेस्टोरेंट से ही। और फिर थोड़ा दूर आगे आप अगर इधर जाएंगे न्यू टाउन बस स्टैंड की तरफ, तो उधर भी कुछ चीज़ें हैं जो लंदन से काफ़ी मिलता जुलता है। जैसे क्लॉक टावर भी एक बनाया गया है न्यू टाउन मेला जो ग्राउंड है उसका पास पे। तो फिलहाल अभी मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, और 6 बजे शायद वो खुलेगा विश्व बांग्ला गेट, तो 6 बजे तक यहाँ पर घूमना है, घूम के फ़ोटो वोटो खिंचा ले रहा हूँ, फिर देखूँगा उधर जाऊँगा कि नहीं तो फिर यहाँ से डायरेक्ट न्यू टाउन जो मेला चल रहा है वहाँ पर चल जाएंगे। तो इस तरफ आप देख सकते हैं टिकट काउंटर है विश्व बांग्ला गेट का, जो अभी फुल बुकिंग दिखा रहा है। तो अभी हम मेला जाने वाले हैं और मेला शुरू हो चुका है, तो अभी हम मेला के तरफ जाएंगे, तो चलिए चलते हैं मेला के तरफ। पीछे आप देख सकते हैं एक साइकिल स्टैंड भी है, तो वहाँ आपको एंट्री लिए जो है वो ऐप बेस्ड साइकिल है, तो वहाँ से आप रिज़र्व कर सकते हैं। जैसे आप बाइक रिज़र्व करते हैं उसी तरह आप साइकिल भी रिज़र्व कर सकते हैं। तो अभी मैं सबवे की तरफ जा रहा हूँ, और सबवे से मैं चला जाऊँगा न्यू टाउन जो मेला है उसके तरफ। तो चलिए न्यू टाउन मेला की तरफ जाते हैं और मेला देखेंगे, क्योंकि यहाँ शायद शाम हो जाएगा खुलते खुलते, तो मेला की तरफ चलते हैं। तो मैं इस पार आ चुका हूँ, इस पार में था, और कुछ लड़के शूट भी कर रहे थे वीडियो, तो उनका वीडियो में भी थोड़ा रोल मिल गया। अभी मैं इस पार आया हूँ और इधर से अभी मैं जा रहा हूँ इस तरफ न्यू टाउन बस स्टैंड की तरफ। तो एक मिनट यहाँ से अगर पैदल जाऊँगा तो मैं मुझको मिल जाएगा जो मेला लगा है यहाँ पर। यहाँ मेला लगा हुआ है, तो मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर फूड पार्क बनाया गया है मेला का, जाके देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल फूड लगाया गया है, जैसे आप देख सकते हैं नदिया है, हावड़ा है, नॉर्थ 24 परगना है, उसके बाद इधर राजस्थान का भी है। हम जाएंगे अपना जो लोकल फूड है अपना गांव का मोमो खाने, तो वो झुकिया वाला लगाया हुआ है उधर, तो चलते हैं मोमो खाने के लिए। आंटी मोमो हुन्छ, एक प्लेट मोमो दी वेज। तो अभी हम वेज मोमो खा लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे। यहाँ आप रेट देख सकते हैं मोमो का, मैं जा रहा हूँ फूड पार्क से निकल कर। अभी इस तरफ भी एक मेला लगा है, वही मेला ग्राउंड में, वो इस तरफ उसी तरफ जा रहा हूँ, अभी उधर देखते हैं उधर क्या क्या मिलेगा। इधर आपको हर जगह का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो आपको मिल जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट का ट्रेडिशनल ड्रेस रखा गया है, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग काउंटर है। जैसे मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, उधर हमने देखा दार्जिलिंग का था, फिर हुगली, साउथ 24 परगना, मालदा, झाड़ग्राम, इधर खाना भी है और ड्रेस है, तो आप ड्रेस भी देख सकते हैं। ये
সেটা আজও রাখা আছে চিলে কোঠার ঘরে। তোমার প্রিয় কাঠের ঘোড়া যেটা 5 বছরের জন্মদিনে দাঁড়াই দিয়েছিল, ওটা দেখলেই তোমার কথা বড্ড মনে পড়ে। তোমার ঝিনুক পাখি इधर आप देख सकते हैं, हैंडलूम का जितना भी चीज़ है इधर आपको मिलेगा। फर्नीचर आप देख सकते हैं पीछे। इधर केरला और इधर आंध्र प्रदेश का भी है। इधर जम्मू कश्मीर और उधर बीरभूम, बगल वाला है कुछ बिहार का, ये जो मेला है वो एक कल्चरल मेला है। यहाँ हैंडलूम आपको कल्चरल जो चीज़ें हैं, जो हाथ से बनाया हुआ जो क्राफ्ट है वो सब मिल जाएगा, जो हाथ से बनाया हुआ कपड़ा है, और डिफरेंट कल्चर को दिखाया गया है। वेस्ट बंगाल और इवन इंडिया के कई स्टेट के यहाँ पर जो काउंटर है वो लगाए गए हैं। पर दुख का बात यह है कि काफ़ी कम लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ प्लांट है भी आप देख सकते हैं, वहां का भी एक काउंटर लगा है। टाउन में ऐसे काफ़ी जगह डॉकिंग स्टैंड बनाया गया है, साइकिल का डॉक स्टैंड है ये सर। यहाँ आपको साइकिल यहाँ से आप ऑनलाइन बेस्ड है तो यहाँ पर एक ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से आपको स्कैन करना पड़ेगा, स्कैन करने से वो ये साइकिल का जो लॉक है वो खुल जाएगा, तो यहाँ से आप साइकिल भी बुक कर सकते हैं। जगह जगह न्यू टाउन में लगाया गया है साइकिल डॉकिंग स्टैंड सब। फिलहाल अभी मैं हूँ न्यू टाउन, जो सेंट्रल मॉल है उसके ऑपोजिट में। यहाँ भी लगा हुआ है एक मेला, यहाँ भी पूरा खाली उली है तो शायद भीड़ हो सकता है शाम में। ये बहुत दिनों से लगा था ये मेला, आप पीछे देख सकते हो थोड़ा थोड़ा है, फिर वो मेरी गो राउंड, फिर उधर एक नौका, इधर भी छोटा छोटा आप देख सकते हो, उधर भी है आपका क्या बोलता है डिस्को ना क्या बोलता है, और इधर खाने का जो जितना भी सामान है इधर है। फिर मैं अभी रूम में जा रहा हूँ, तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं।